Yes, everybody. Another concept: the distance between any two parallel lines. ध्यान से समझना कि अगर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है और ये एक लाइन एल वन है और ये दूसरी लाइन एल टू है. लेट्स सपोज इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन. और अगर ये लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, तो दूसरी लाइन पक्का कैसे होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू. क्या यहां पर समझ आया? सिर्फ इंटरसेप्ट का फर्क है ना, y एक्सिस को कहां जाके कट करेगी. ठीक है, तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर वो ये कि जिस भी जगह पे देखो ये डिस्टेंस सब जगह क्या है? इक्वल है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस डिस्टेंस? इज द फॉर्मूला फॉर दिस डिस्टेंस इज सी वन माइनस सी टू का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? कि अगर ये इक्वेशन मेरे पास होती y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि हम अक्सर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, और ये इक्वेशन भी क्या होती y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उस केस में मेरा फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता? ये बनता. अगर आप नोटिस करो जो हमने अभी तक किया तो सेम सिमिलर चीज ही बन के आ रही. इज दैट ओके? अब एक क्वेश्चन करते हैं हमारी शीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू जीरो एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू जीरो. सही है बेटा. अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन में कभी भूलेंगे नहीं पैरेलल लाइंस है. आपको जानना है ए का कोएफिशिएंट और बी का कोएफिशिएंट अगर सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, या प्रोपोर्शनल हो तो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. वो लाइंस क्या होंगी? बहुत सेम वाला कभी नहीं टीचर पेपर में डालेगा, हमेशा प्रोपोर्शनल वाला डालेगा. प्रोपोर्शनल समझ गए ना? टू से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई, माइनस टू से मल्टीप्लाई, कुछ भी एक्स और वाई के दोनों कॉम्पोनेंट. इज दैट क्लियर? और अगर पैरेलल लाइंस आ गई तो डायरेक्टली अप्लाई दिस. आप मेरा इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या बनेगा? डी विल बी इक्वल टू सी वन माइनस सी टू माइनस 34 माइनस 31 मॉड लग गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 34 माइनस 31 माइनस 65 माइनस 65 का मॉड प्लस 65 225 एंड 264 289 और किसका होता है? 17 का. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल. और आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हो? हाँ जी, किस फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हो? मिक्स्ड. तो आप देखो 17 4 सा 68 होता है, मतलब रिमाइंडर 17 माइनस 3 14 17 3 सा 15. कहानी समझ में आई? उल्टा भी सोचना शुरू करो. करिए नोट प्लीज.